तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि ब्रांड स्टोर। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। और आज जो है ये देख सकते हैं, ये रोज़ है। ऐप आईडी मुझे बताएं, ये हमारे सागर भाई ने बताई है। इसकी आईडी जो है मून स्टोन है, और ये जो है बिग थैले का जो है बड़े थैले का प्लांट है। तो आज मैं इसको करूँगा इस थैले के अंदर से दूसरे गमले के अंदर, जो कि 12 इंच का है। और जो मैंने मीडिया लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं आपको मेरे मीडिया से वाकिफ तो होंगे ही, मैं ज़्यादातर जो है आजकल इसी में ही लगा रहा हूँ, इसी तरीके के मीडिया के अंदर। और ये बताएं मुझे आप आईडी कंफर्म करें। बहरहाल सागर भाई ने हमें इसकी आईडी कंफर्म कराई है, इसको मून स्टोन बोलते हैं। बाकी आप भी हमें बताइएगा। और ये देखें, काफ़ी अच्छा कलर है इसका। ये मुझे एक चीज़ और बेहतरीन लगी इस गुलाब के अंदर, एक तो इसका खिलने का तरीका बड़ा अच्छा, फिर ऊपर से जो है इसमें जो कलियां आती हैं वो भी खूब ढेर सारी थी। इसमें अभी 2 या 3 गुलाब तो मैं काट चुका हूँ, हालांकि मैं ये वाले गुलाब भी अभी यहीं से कट करके रख लूँगा। और तो है आपको मैं बताऊँगा ही कि किस तरीके से मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। आप जब भी लें, तो जैसा कि मैंने इस बार जो है ये सोचा है कि क्यों ना मैं सारे के सारे नर्सरी पॉट लगाऊँगा। ये थोड़े रीज़नेबल प्राइस में भी पड़ जाते हैं और इसके अंदर ढेर सारे छेद भी होते हैं। तो आज हम करेंगे इसी गमले के अंदर इसको शिफ्ट। तो ये हमारा जो मीडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो जली हुई राख है, कोयले की लकड़ी की राख है, ये भी मैंने ले ली है। हालांकि अभी दिख गई तो मैंने ले ली। और दूसरी चीज़ जो मैंने ली है इसके अंदर, राइस हस्क तो है ही, 50% राइस हस्क लिए, 50% ही मैंने लिया है पुराना सड़ा हुआ गोबर। ये देखिए, जिसे बोलते हैं गोबर की खाद, जिसे कंपोस्ट होगी। ये देखिएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर। और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा लिया है। ट्राइकोडर्मा बोले तो एक फंगीसाइड होता है, जो कि जड़ों को गलने से रोकता है, और पेड़ में जो ब्रांचेज में जो गलन आ जाती है बीज कूच कहीं पे या पत्तियों में, तो वो उनको भी कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा जिससे बोलते हैं, वो आता है आपका संजीवनी नाम से, मिल जाएगा एग्रो स्टार पे। और बाकी जो है मैंने इसमें लिया है DAP, और लिए मैंने इसमें क्या बोलते हैं माइक्रोराजा। तो ये चीज़ जो है वो डेवलपमेंट के लिए होता है। बाकी आप लेने को तो बहुत सी चीज़ें ले सकती हैं इसके अंदर, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है। जैसे NPK भी मिला सकते हैं इसके अंदर, और जो है NPK के साथ साथ आप जिसको बोलते हैं एप्सम साल्ट बोलते हैं, वो भी आप मिला सकते हो। और हाँ, एक चीज़ रह गई इसमें, मैंने जो ली है वो लिया है मैंने, वो देखे रखा हुआ है मेरा नीम की कल, जो कि पिसी हुई आती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये गोबर तो सूख चुका है, इस डेलो को हम ऐसे ही रखेंगे, जो हमारे अभी कंपोस्ट हो चुका है हम उसको क्रश कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे। फिलहाल ये रहा मेरा गमला और ये रहा मेरा प्लांट। अब मैं जो है करने वाला हूँ इसको शिफ्ट। तो चलिए पहले मैं इसको मिला लेता हूँ। हालांकि मिलाना ही क्या है, मैं मिला तो चुका ही हूँ उसे फावड़े की मदद से, वो मेरा रखा है फावड़ा। और भी मेरी मीडिया है, मैं और भी प्लांट लगाऊंगा, अभी उसका वीडियो आपको इंशाल्लाह तबारक ताला, जो कि डबल डिलाइट है। अभी मैंने एक Y आईडी के नाम से मैंने सोचा आपको अवगत भी हो जाएगा और थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और भी हो जाएगा। मेरे बाकी के गुलाब माशाल्लाह इस मीडिया के अंदर बेहतर चल रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ कि क्या करना है। तो अभी हम जो है इसके छेद बंद करेंगे, जो भी सारे छेद हैं, तो उसे हम छेद बंद करने के लिए इस तरीके से कैमरा मैन जरा करीब से दिखाएं यहाँ पर अंदर को। जब भी छेद बंद करें तो आप या तो जो टुकड़े जो है बिल्कुल ऐसा ना रखें, नहीं तो छेद बंद कर देगा, उल्टा रखेंगे तो यहाँ से नीचे से ढाल होता है, तो वो रोके रहता है और पानी को जो है ड्रेन होने के लिए काफ़ी सहायक होता है। ये देखिएगा, ये हमने इस तरीके से लगा लिया है। लगाने के बाद अब करना है हमें इस मीडिया को इसके अंदर हल्के से धीरे से लगाएंगे, एक लेयर तो आराम से लगाएंगे, क्योंकि हमारी वो खिसक ना जाए। और ग्लव्स हों आपके पास तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है ग्लव्स भी। मेरे पास था मगर मैंने जो है मगर प्लांट वो ग्लव्स जो थे वो बाकी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। ये देखिएगा, ये राइस हस्क जो लेता हूँ मैं, ये पोल्ट्री फार्म की निकली हुई राइस हस्क यूज़ करता हूँ मैं। ये ज़्यादा भर गई मीडिया। अब हम इसको जो है इस थैले को यहाँ से फाड़ लेंगे।
तो इसको जो है इस तरीके से मैं फाड़ लूँगा। इसका थोड़ा सा जो पक्का होता है टाँका वहाँ पर, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा कि उससे जो है ब्लेड की सहायता से, इस तरीके की कुर्सी की सहायता से आप काट सकते हैं। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप निकालें इस टाइम पे, क्योंकि अभी जो समय है फरवरी मिड हो चुकी है और अब जो है प्लांट में मौसम में जो है तब्दीली आ चुकी है, टेम्परेचर गर्म हो चुका है। अब आप कोशिश ना करें बेयर रूट लगाने की, बस थोड़ी बहुत यहाँ से मिट्टी इस तरीके से हटा लें, बस ज़्यादा नहीं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हटा लें और बाकी जो है इसे ऐसे ही रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिएगा रूट है इसके नीचे, पर इनको जो है डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है ज़्यादा, कम से कम कोशिश करें हटाने की। जैसे मैं हटा रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि जितनी भी हो जाए उतनी हटा लें, बाकी इसी ईजीली और ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये देखिएगा ये हट गई है यहाँ से, मैं इतनी ही हटाऊँगा, बाकी इसको मैं इसके अंदर रख दूँगा। ये देखिएगा, और हमेशा मैंने एक चीज़ आपको बताई है, अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप रखें तो इसका लेवल इस तरीके से रखें। ये दिखाएं कैमरा मैन यहाँ से, ये जो ग्राफ्टेड एरिया है, ग्राफ्टेड एरिया बिल्कुल इसकी किनारे के लेवल से रखेंगे तो बेशक सूट जो है निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो फिलहाल अब इसको हम कर देते हैं अपने जो मीडिया हमने तैयार किया है उससे, और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके से भरें तो ऐसे किसी भी चीज़ से, खुरपी की सहायता से उल्टी या फिर किसी डंडे की सहायता से आप इसको कर दीजिएगा, ताकि जो है जो एयर पॉकेट रहेंगे नहीं वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। इसके लिए ये देखिएगा, ये हो गया है लक्कर के रेटी। अगर आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड भी दे सकते हैं। अब बाकी हम इसमें देंगे पानी, पानी देंगे और पानी देखिएगा कितना अच्छा इसका ड्रेनेज सिस्टम रहता है। गुलाब को क्या चाहिए कि पानी होल्ड ना हो, देखें निकलता रहे पानी, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरीके के जो है मीडिया को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, चाहे आप सेंडर में लगा रहे हैं, सेंडर तो एक नंबर होता ही है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, पर इसके अंदर जो है हमें एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि हमें सेंडर वाले में कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा वीडियो था, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। और एक्सपीरियंस की जहाँ बात आई कि हम फर्टिलाइज़र वगैरह, तो हम अपनी वीडियो में जो है अपने जो दर्शक हैं जिन्हें अच्छे से रोज़ ग्रो करना आता है और उनके पास जो अपने तजुर्बे हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इंशाल्लाह तबरक तआला कोशिश रहेगी कि आपको नए नए रोज़ ग्रोअर जो हैं उनके तजुर्बे आपको मिलें, और अच्छे गुलाब जो उगाने में माहिर हैं उनके भी हम तजुर्बे आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी वो, और बहरहाल जो मेरा रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।